इस वक्त जब पूरी दुनिया में कोरोना महामारी फैली हुई है, ऐसे में हमें पोषण आहार एवं स्वास्थ्य की विशेष देखभाल की आवश्यकता है। हमें अपने आहार में ऐसी चीज़ों को शामिल करना चाहिए जिससे कि हम बीमारियों से बचे रहें, साथ ही हमारा इम्यूनिटी यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत बना रहे। नमस्ते, आई एम डॉक्टर श्रद्धा सिन्हा, क्लिनिकल डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशन एक्सपर्ट। वेलकम टू माई चैनल द वेलनेस मंत्रा। सबसे पहले आता है हल्दी यानी कि टर्मरिक। हल्दी का उपयोग हम प्राचीन समय से ही करते आ रहे हैं। यह हमें हमारे पूर्वजों से मिला सबसे अमूल्य उपहार है। जितना हो सके हल्दी का सेवन करें। हल्दी वाला दूध लें, हल्दी की चाय, हल्दी का काढ़ा बना के भी ले सकते हैं। हल्दी में कर्क्यूमिन नाम का कंपाउंड पाया जाता है जो कि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। दूसरा है अदरक यानी कि जिंजर। जिंजर का उपयोग हम सर्दी खांसी और फ्लू के उपचार के लिए भी करते हैं। यह हमारे प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत बनाता है। यह हमें बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन से भी बचाता है। यह हमारे ऊपरी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी कि अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्फेक्शन से बचाता है। अदरक का इस्तेमाल रोजाना करें। लहसुन यानी कि गार्लिक। लहसुन में मैंगनीज, सेलेनियम, विटामिन सी, विटामिन B6 और फाइबर प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। साथ ही इसमें कैलोरीज की मात्रा बहुत कम होती है। यह हमें हमारी पाचन तंत्र को सुधारता है। साथ ही इसमें एंटीबायोटिक और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि हमें इन्फेक्शन से बचाते हैं। ग्रीन टी, यह चाय और कॉफ़ी की जगह बहुत ही अच्छा विकल्प है। इसमें पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। साथ ही इसमें बहुत ही कम मात्रा में कैलोरीज होती है और कैफीन की मात्रा भी बहुत कम होती है। सूरजमुखी के बीज यानी कि सनफ्लावर सीड्स, ये विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर का बहुत ही अच्छा स्रोत है। इसमें विटामिन ई बहुत ही अच्छी मात्रा में पाई जाती है जो कि हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करती है। बादाम यानी कि आमंड्स। आमंड्स में विटामिन ई, विटामिन ए, मैग्नीशियम, मैंगनीज, सेलेनियम और फाइबर पाए जाते हैं जो कि हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत ही अच्छा है। एक हेल्दी स्नैक के तौर पर आमंड को ही चुनें। मौसम के फल यानी कि सीजनल फ्रूट्स, जितना हो सके फ्रूट्स को अपने आहार में शामिल करें। खास करके विटामिन सी युक्त यानी कि सिट्रस फ्रूट्स, खट्टे फल जिनमें विटामिन सी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है जो कि हमें बीमारियों से बचाता है और हमें हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। शकरकंदी, इसमें बीटा कैरोटीन पाया जाता है जो कि हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। साथ ही यह हमारे स्किन के हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पत्ता गोभी, पालक, पुदीना, धनिया, ये सारे फाइबर, विटामिंस, मिनरल्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स के बहुत ही अच्छा स्रोत है जो कि हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। फिश यानी कि मछली। फिश विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और प्रोटीन का बहुत ही अच्छा सोर्स है। इसके अलावा इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड पाया जाता है जो कि हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। बेरीज और डार्क चॉकलेट भी इम्यूनिटी के लिए बहुत ही अच्छा है। डार्क चॉकलेट में थ्रियोब्रोमिन नाम का एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो कि हमारी बॉडी को फ्री रेडिकल से बचाता है। संतुलित और पोषण युक्त आहार लेकर के ही हम कोरोना जैसी महामारी से बच सकते हैं या फिर उसे हरा सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे सारे वीडियोस आपको मिल जाए। हिट द बेल बटन ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।